सरकार में भी मतभेद रहना एक बड़ी वजह है। और फिर आप देखिए ना, सिर्फ अयोध्या का असर, अयोध्या और फैजाबाद का असर, जो फैजाबाद में जरा नहीं आया, आसपास की सीटें, 5-6 सीटें, आप देखिए सीतापुर में तो ये स्थितियां रही कि पहले समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के पास जिस कैंडिडेट को तैयार किया उसने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, कांग्रेस जिस कैंडिडेट को लाई उसने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया, फिर एक और कैंडिडेट को जब दिया गया मौका, जो विधायक थे, उन्होंने कहा कि चले ठीक है हम लड़ेंगे और वो जीत भी गए। उस पर बाकायदा मजाक भी बनाया गया समाजवादी पार्टी का, इंडिया अलायंस का, कि बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है ये नहीं वो लड़ेंगे। और ऐसे में अगर ऐसे कैंडिडेट जीत जाते हैं तो ये वाकई कई बड़े फैक्टर ऐसे हैं जो काम कर गए। और एक तरह से क्या ये संदेश गया कि चेहरे के हिसाब से वोट नहीं पड़ा है, मुद्दों के हिसाब से, मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट पड़ा है? जिस तरीके से एनजी गठबंधन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर पहले कई घमासान थे, कई बार कैंडिडेट को लेकर के एक सहमति नहीं बन पा रही थी, लेकिन जिस तरीके से जिन जिन लोकसभा सीटों पर हम सब गए हैं वहां की जमीनी हकीकत कुछ और ही कह रही थी, वहां नाम ही नहीं बल्कि अन्य मुद्दे भी थे। इस बार जनता का साफ तौर पर कहना था कि जिसने काम किया है, देखिए दो तीन फैक्टर्स हैं यहाँ पर, लोग नाखुश अयोध्या में जरूर रहे थे क्योंकि जिस तरीके से मुआवजा अगर जो मिला है वो उनके मन मुताबिक नहीं मिला था। कई लोग तो इतना भी बोल रहे थे कि जो राम मंदिर है एक मंदिर का, चाहे तो अगर हम गृह प्रवेश भी करते हैं तो जब वो मंदिर पूरा भी गृह प्रवेश होता है तो यहाँ पर मंदिर पूरा नहीं बनता जब भी गृह प्रवेश हो रहा था। जिस तरीके से यहाँ पर लोगों के घर जुड़े जाते हैं, बेरोजगारी हर जगह एक फैक्टर रहा था और यही एक वजह है कि जो लोग थे दुकान लगाते थे जब उनके स्टाफ को यहाँ पर तोड़ा गया और मुआवजे के नाम पर उनकी मुंह मांगी कीमत नहीं मिली तो ये भी एक छिन्न फैक्टर जरूर अयोध्या की पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं फैजाबाद की बात करूं, रही बात विकास की, कुछ टूरिज्म की बात करूं, वहां पर कई चीजें बनी लेकिन अंदरूनी रीजन यही थी लोग वहां पर खुश नहीं थे। यही एक वजह है कि देखिए जिस तरीके से आज हमने भी बात की है समाजवादी पार्टी से जो नवनियुक्त सांसद है अवधेश प्रसाद, उनका भी यही कहना ठीक है। इस पर एक शरद जी से मैं चाहूंगी वो प्रतिक्रिया दें, एक तो ओवर कॉन्फिडेंस जो विपक्ष कह रहा है, दूसरा जिस बात का जिक्र निकिता कर रही हैं कि वहां पर जो लोकल लोग हैं उनको जितना उनकी जमीन का मुआवजा मिलना चाहिए वो मिला नहीं, मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर जातिगत समीकरण जो है वो हावी रहा, आपको क्या लग रहा है? नहीं देखिए, मैंने अनन्या जी पहले भी कहा कि अभी मतलब 3 दिन हुए हैं चुनाव के परिणाम घोषित हुए, तो अभी इस पर समीक्षा की जाएगी, पूरी इंक्वायरी होगी कि क्या था, कौन से मुद्दे थे, किस वजह से जनता ने वोट नहीं दिया, क्योंकि कई लोग तो कह रहे हैं सब जो मौसम है, वेदर कंडीशन ऐसी थी कि लोग निकल नहीं पाए उसमें, तो कई कारण हो सकते हैं, इनकी सबकी समीक्षा की जाएगी, जो भी समीक्षा में निकल के आएगा वो आपके सामने रखा जाएगा, लेकिन अभी क्या कारण है अभी तो इस पर बात ही चीत नहीं शुरू हुई है, क्योंकि पार्टी में भी इस पे चर्चा होगी, इस पे चिंतन बैठक होगी। आप, तो आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वेदर कंडीशन, क्या वाकई इस पर आपको लग रहा है कि हावी रहा, लोग घरों से निकले नहीं? क्योंकि देखिए अवधेश प्रसाद जी को लगभग 5,054,000 वोट मिले, लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट मिले और अयोध्या में 54,000 सीटों से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट अगर जीत रहा है तो वाकई एक अंतर मन में समीक्षा करने की जरूरत है। इस पर हमारे साथ जगत गुरु भी बने हुए हैं, राम दिनेशाचार्य जी। राम दिनेशाचार्य जी, जिस निकिता जिस बात का जिक्र कर रही थी कि लोगों में नाराजगी थी, उनके जमीन का जितना मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, रोजी रोटी जाने से छोटे दुकानदार काफी गुस्से में हो गए क्योंकि उन्हें वहां पर दुकानें, क्योंकि जो धर्मपथ है जहां पर एक कॉमन कोड लागू है, एक जैसी दुकानें, एक जैसा कंस्ट्रक्शन जहां पर नजर आता है, जहां पर एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन आप कर नहीं सकते, उनको दुकानें वहां पर मिली नहीं, तो सीधे सीधे रोजी रोटी जो उनकी है वो उस पर संकट आ गया। देखिए ये जो भक्ति पथ और राम पथ की चर्चा आप कर रहे हैं, ये लगभग 12-13 किलोमीटर की ही दूरी है और कुछ मुझे लगता है कि दुकानदार उसमें नाराज हो सकते हैं, पर ये देखना इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्प है कि अयोध्या से तो अयोध्या भाजपा जीत रही है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रहा है। जैसे मिल्कीपुर हो गया अपना और अपना बीकापुर हो गया, ये जो 4 विधानसभाएं और जो अयोध्या से जुड़ी है, सर्वाधिक घाटा और सबसे कम वोट वहां से प्राप्त हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि वहां से कोई दुकानदार रहा होगा जो अयोध्या में रहा होगा। ग्रामीण जो ग्रामीण एरिया, यही मैं कह रही हूं, जो आसपास का जो ग्रामीण एरिया है वहां पर नाराजगी। जो मुआवजे की बात है, यहां दो लोगों को मुआवजा मिला, एक तो मुआवजा दुकानदार को मिला है, दूसरा जो लैंड का मालिक है
ठीक है, यहाँ मालिक और दुकानदार में बहुत बड़ा द्वंद था, तो जितने यहाँ पर मालिक थे उनको तो अच्छा मुआवजा मिला, करोड़ों में उनको मुआवजा मिला है। हाँ, दुकानदारों को 1 लाख रुपए दिया गया जिनके नाम से जमीन नहीं थी। तो अगर ये बात कहना कि लोग इससे संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं, क्योंकि उनको बहुत अधिक पैसा मिल गया। जो 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए किराया पाते थे जो महात्मा जो संत और जो जो उस लैंड के मालिक थे वो उसका पैसा नहीं पाते थे, उनको भरपूर पैसा मिला है। आज दुकानदार को कम 1-1 लाख रुपया दिया और उनको विस्थापित करके फिर दूसरी जगह दुकान देने की बात हुई है, उसमें बहुत सारी दुकानें उनको प्राप्त नहीं हुई है, तो कुछ तो रहा है। पर वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं था कि भाजपा को हरा दिया जाए, क्योंकि भाजपा अयोध्या से तो जीत रही है, जहां से दुकानदारी, जहां से भक्तिपथ, जहां से रामपथ, जहां से राम मंदिर, जहां से बीड़ा चौक। ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जगतगुरु अयोध्या से आप जुड़े, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शरद त्रिवेदी और साथ ही निकिता सरीन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम खास बातों को रखने के लिए।